बहुत अच्छी तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन करने वाले हैं। विकास की यात्रा में झारखंड में भी बहुत तेजी से उन्नति हो, प्रगति हो, वो हमारा संकल्प है। ट्रांसमिशन का भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। एक NTPC का प्रोजेक्ट जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में शिलान्यास किया था, गत 10 वर्षों में कुछ उस पर काम नहीं हुआ, तो हमने अभी उसका ऑर्डर दिया है, उसका काम शुरू होने वाला है। IT के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा। मुझे लगता है बहुत उत्साह है झारखंड में प्रधानमंत्री जी के आगमन पे। बहुत अच्छी बैठक हुई जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में कई विषय फ्लैग ऑफ हुए, कई विषयों पे चर्चा हुई है, और मुझे लगता है दोनों सरकारों ने निर्णय लिया है कि जनता के हित में निर्णय की प्रक्रिया को तेज किया जाए और निर्णय जल्दी हो, जनता तक सेवा पहुँचे, चाहे वो कोयले की खदानों का संबंध में हो, चाहे वो ऊर्जा के संबंध में हो, अपारंपरिक ऊर्जा के संबंध में हो, सभी विषयों में बहुत तेजी से प्रगति हो। रॉयल्टी के विषय में तो एक कमेटी बैठी है, वो कमेटी तय करेगी, पर वैसे रॉयल्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पहले टनेज पे मिलती थी, टनेज से एड वैलोरम करी गई है। एड वैलोरम में ये लाभ है कि रॉयल्टी बढ़ती रहती है जब जब दाम बढ़ते हैं, पर उसके अलावा झारखंड में संभावना है रॉयल्टी 3 गुने करने का, क्योंकि कई खाने ऐसे हैं थोड़ा जनता का और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो लगभग 3 गुना प्रोडक्शन हो सकता है, रॉयल्टी 3 गुनी हो सकती है।